कैंपस में नए लोगों ने शमूलियत इख्तियार की। हमारे इरफान साहब जो पीडीपी से वाबस्ता थे, जो दक्षिण से ताल्लुक रखते हैं, हमारे इमरान भट्ट साहब जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी किश्तवाड़ से म्यूनसिपलिटी इलेक्शन में हिस्सा भी लिया वार्ड नंबर 11 से, आज की डेट में ये लोग हमारे साथ। याकूब साहब हैं अपने सरथन से जो पीडीपी के खास कारकुन थे, उन्होंने भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की शान सजा किश्तों की क्यादत में। और हम आज यहाँ के लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आए रोज और पिछले टाइम भी मजबूत थी और आए रोज मजबूत होती रहेगी, क्योंकि जो नौजवान यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो लोग बोल रहे थे कि इन्होंने काम नहीं किया, वो ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो आज की डेट में ये लोग जो है फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम रहे हैं। इस बात के लिए कि जिन लोगों ने इनको सपने दिखाए थे मोंगेरी लाल के, वो सारे फेल हो गए और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी से हमारे वार्ड नंबर 11 के 18 में इलेक्शन म्यूनसिपलिटी इलेक्शन लड़े हुए कैंडिडेट इमरान भट्ट साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में दर्शन से, अरफान साहब ने पीडीपी से निकल के नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू किया थी, और सरथन से मोहम्मद याकूब साहब ने, जो याकूब साहब अपने इलाके में अच्छा असर सुख रखते हैं अपनी इसमें कम्युनिटी में, गुजर कम्युनिटी में, और गुजरों के अच्छे खासे लीडर हैं और हमेशा गुजरों के लिए लड़ते रहे हैं। हमें यकीन है, भरोसा है कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन हो रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों सीटों पर जीत दर्ज कराएगी, और उन लोगों को साफ साफ ये संदेश देना चाहती है जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ स्टेजों पे प्रोपेगेंडा करते हैं। हम उनसे सवाल करते हैं कि सवाल जो सरकार 10 साल रही, उनसे सवाल करने के बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल करते हैं और लोगों में गलत अफवाहें फैला के इस बात को छुपाना चाहते हैं। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, वो लोग इस बात को छुपाना चाहते हैं जो उनकी कारकर्दगी यहाँ पिछले हालातों में रही है, यहाँ इन 10 सालों में रही है, किस तरह से उन लोगों ने लोगों को बेचा, अपने अपने आप को मजबूत किया, किस तरीके से उन लोगों ने किश्तवाड़ की डेवलपमेंट से इस्तेमाल किया, और इसी तरह वो लोग प्रोपेगेंडा करते रहे और प्रोपेगेंडा के बीच में वो अपने गुनाहों को छुपाना चाहते हैं, मगर आवाम जो है आने वाले दिनों में उनको मुंह तोड़ जवाब देगी कि यहाँ किसने काम किया और किसने नहीं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ मजबूत करें, सजाद अहमद किश्तू के और तनवीर अहमद किश्तू के हाथ मजबूत करें, यही वो खानदान, यही वो जमात है जो लोगों के बीच में रही और इन्होंने लोगों के दुख दर्द में हमेशा साथ साथ रहे और लोगों के बीच में रहे हमेशा, चाहे लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो हालातों के मारे हुए लोग, उनको मिली। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात की यकीन दहानी दिलाती है कि आने वाले दिनों में जिन भी नौजवानों के साथ इस्तेमाल हुआ है, पूरी तरीके से उन नौजवानों के साथ खड़ा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी कादर। और यही अपील रहेगी तमाम लोगों से, आए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ मजबूत करें, सजाद अहमद, तनवीर अहमद किश्तू के हाथ मजबूत करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें, भाईचारे को मजबूत करें, और आने वाले असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेटों को बाहरी अक्सरियत से कामयाब करें और फिर का परस्त ताकतों को एक जोरदार तमाचा मारे। शुक्रिया।